शीर्षक उदार बेकर का रहस्य। एक पहाड़ी की तलहटी में बसे एक अनोखे छोटे से गांव में एमिली नाम की एक कुशल बेकर रहती थी। उसकी बेकरी अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, स्वादिष्ट पेस्ट्री से लेकर स्वर्गीय केक तक। लेकिन जो चीज वास्तव में एमिली को अलग करती है, वह सिर्फ उसकी पाक कला विशेषज्ञता नहीं थी, बल्कि उसका दयालु और उदार हृदय था। हर दिन एमिली ताजी ब्रेड और पेस्ट्री का एक अतिरिक्त बैच तैयार करती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगता, वह उन्हें कपड़े में लपेट लेती और चुपचाप अपनी बेकरी के बाहर छोड़ देती। ग्रामीणों को जल्द ही इस दैनिक आश्चर्य का पता चला और उन्होंने इसे एमिली का आशीर्वाद कहा। एक सर्दियों की शाम जब ग्रामीण अपने चिमनी के पास इकट्ठे हुए, एक यात्री गांव में आया। वह लंबी दूरी तय करके थका हुआ और भूखा था। एमिली की उदारता के बारे में सुनकर उसने ताजा पके हुए माल की गंध का पीछा किया और उसकी बेकरी के बाहर ब्रेड और पेस्ट्री की टोकरी पाई। कृतज्ञता पूर्वक यात्री ने गर्म पौष्टिक भोजन का आनंद लिया। एमिली की दयालुता से प्रभावित होकर उसने उसे अपने तरीके से चुकाने का फैसला किया। अगले दिन वह एमिली के पास गया और कहा, प्रिय बेकर, मैं हर्बल चाय और उपचार बनाने की कला में कुशल हूँ। मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मुझे किसी भी तरह से आपकी मदद करने की अनुमति दें। एमिली ने अपनी सामान्य गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ यात्री के प्रस्ताव का स्वागत किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, यात्री ने उपचारात्मक जड़ी बूटियों के बारे में अपना ज्ञान साझा किया और जल्द ही एमिली की बेकरी न केवल स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वर्ग बन गई, बल्कि सुखदायक चाय और उपचार के लिए भी बन गई, जिससे बीमारी के समय में ग्रामीणों को आराम मिला। एमिली की विस्तारित सेवाओं के बारे में बात और भी फैल गई और लोग पड़ोसी गांवों से उसकी स्वादिष्ट कृतियों और यात्री के उपचार दोनों की तलाश में आए। एमिली की बेकरी न केवल पाक आनंद के स्थान के रूप में, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सांत्वना और कल्याण के स्रोत के रूप में फली फूली। साल बीत गए और एमिली के बाल चांदी के हो गए, फिर भी उसका दिल उतना ही दयालु और उसकी आत्मा उतनी ही उदार रही। उसने अनजाने में देने का एक ऐसा दायरा बना लिया था जो लगातार बढ़ता गया। ग्रामीणों ने उनके उदाहरण का अनुसरण करना शुरू कर दिया और अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं और संसाधनों को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा किया और इस तरह गांव देखभाल और करुणा के समुदाय में बदल गया। यह सब एक उदार बेकर के सरल कार्य से प्रेरित था। एमिली की विरासत ने सभी को सिखाया कि सच्ची खुशी सिर्फ लेने से नहीं, बल्कि देने से भी मिलती है। इसने उन्हें दिखाया कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी अच्छाई की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है, जो जीवन को ऐसे तरीकों से प्रभावित करता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यात्री, वह गांव में रहा, उसका एक बार थका हुआ दिल अब अपनेपन और उद्देश्य की भावना से भर गया। उसने सोने के दिल वाले उदार बेकर एमिली से जो सबक सीखा, उसके लिए वह हमेशा आभारी रहेगा। कहानी की नीति। दयालुता और उदारता में एक प्रभावशाली प्रभाव पैदा करने की शक्ति होती है, जो दूसरों को भी अपने समुदाय की भलाई में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। देने का कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक अधिक जुड़े हुए और देखभाल करने वाले विश्व को जन्म दे सकता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय उपहार और क्षमताएं अधिक अच्छे योगदान में योगदान करती हैं।